होगा दोस्तों अगर फेविक्यूब गलती से हमारे मुंह में चली जाए तो? क्या वो फेविक्यूब हमारे मुंह को चिपका देगी या नहीं, तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। क्योंकि फेविक्यूब का इस्तेमाल टूटी हुई दो वस्तुओं को जोड़ने में किया जाता है। अगर यह गलती से हमारी उंगलियों में लग जाए तो कुछ ही सेकंड में उंगलियों को आपस में चिपका देती है। अगर दोस्तों यह मुंह में चली जाए तो क्या होगा, इसे यूट्यूबर एक्सपेरिमेंट किंग ने करके दिखाया। लेकिन दोस्तों आप इसे बिल्कुल भी ट्राई ना करें क्योंकि ये आपके लिए खतरनाक हो सकती है। उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए फेविक्यूब की छोटी वाली पैकेट लेते हैं और पैकेट से फेविक्यूब की ट्यूब निकालते हैं और फेविक्यूब की कुछ बूंदे अपनी जुबान पे डालते हैं। लेकिन फेविक्यूब कुछ ही देर में जुबान पे चिपक जाती है, फिर छुड़ा के देखा तो छोड़ने भी लगती है। क्योंकि हम इंसानों की मुंह सलाइवा के कारण हमेशा गीला रहता है और जुबान पे चिपके फेविक्यूब एक लेयर यानी परत के रूप में थी, जिसे आसानी से छुड़ा लिया गया।